आप सॉफ्टवेयर इंजीनियर हो क्या? आप लोगों ने देश में कितनी तरक्की लाई है, सब कुछ कितना एडवांस हो गया है। थैंक्स। आप लोगों को देख के तो मैं एकदम हैरान हो जाता हूँ। आप कंप्यूटर में अंदर कुछ कोड करते हो और बाहर दुनिया बदल जाती है। इतना आसान नहीं है दोस्त, ये कुछ कोड का काम नहीं है, काफी मेहनत जाती है इसके पीछे। कॉम्प्लिकेटेड है, काफी कॉम्प्लिकेटेड। वाकई इसीलिए तो आपको इतनी तनख्वाह मिलती होगी ना? Why does everyone just see the money in it? इसके पीछे की मेहनत कोई नहीं देखता। हम हिंदुस्तानियों की सोच ही छोटी है। Just because मैं पूरा दिन एसी ऑफिस में होता हूँ, और obviously मुझे पसीना तो आता ही नहीं होगा, right? आप लोगों को ताकत यूज़ करनी होती है, हमें दिमाग लगाना होता है। ये बाल सफेद ऐसे ही नहीं होते। Let me give you an example. वो ECG मशीन देखो। सब कुछ कंप्यूटराइज्ड है। आपके बॉडी में क्या क्या चल रहा है सब कंप्यूटर से निकाल सकते हैं। प्लेन की, ट्रेन की लाखों रिजर्वेशन ऑनलाइन होती है। बैंक के ट्रांजैक्शन सब एक सिंगल डेटाबेस में। डेटा इंटेग्रिटी, लॉकिंग, डेटा सिक्योरिटी। कुछ आइडिया है ये सब डिजाइन करना कितना कॉम्प्लिकेटेड है, और आप कह रहे कि कोडिंग करना आसान है। आप ये सब कोड करना जानते हो? पहले करता था, अब मैं प्रोजेक्ट मैनेजर हूँ, मेरी टीम सब करती है। तो अब काम आसान हो गया होगा। इस फील्ड में कुछ आसान नहीं है। जितना ऊपर जाओ उतनी ही रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ती है, काम बढ़ता है, स्ट्रेस बढ़ता है। कोडिंग और डिजाइनिंग ये फिर भी आसान है, लेकिन अब मुझे पूरी टीम संभालनी पड़ती है। 10 लोगों को हर रोज जवाब देना होता है, क्वालिटी मेंटेन करनी होती है। 2 घंटे ईमेल ना चेक करूं तो लोग पैनिक करने लगते हैं। एक साइड से रिजल्ट का प्रेशर होता है, और दूसरी साइड को कस्टमर को रिप्लाई करना होता है। रिक्वायरमेंट्स बदलती रहती है, और यूजर्स को कुछ और चाहिए होता है, और आपका बॉस कभी सेटिस्फाई नहीं रहता है। दोस्त शायद तुम्हें पता नहीं है, टेंशन और प्रेशर साथ में हैंडल करना कैसे होता है। मुझे पता है सर, टेंशन और प्रेशर दोनों साथ में हैंडल किया है। 6 साल पहले की बात है, हम लगभग 30 लोग रात के 3 बजे पॉइंट 4875 को कैप्चर करने के लिए बढ़ रहे थे। दुश्मन ऊपर से फायरिंग कर रहा था। अगली गोली किसके नाम पे लिखी थी पता नहीं था। उजाले से पहले हमें वहां पहुंचना था। वक्त काफी कम था हमारे पास। होश तो तब आया जब अगले दिन हम चोटी पर तिरंगा लहरा रहे थे, और तब हम बचे 30 नहीं 4 लोग थे। हाँ, सुबेदार सुशांत फ्रॉम 13 जम्मू एंड कश्मीर राइफल्स ऑन ड्यूटी एट 4875 इन कारगिल। मुझे बताया गया है कि मेरी टर्म पूरी हो गई है और अब मुझे सॉफ्ट असाइनमेंट का ऑप्शन दिया जाएगा। पर आप ही बताइए सर, काम आसान करने के लिए कोई अपनी ड्यूटी छोड़ सकता है क्या? उस दिन हमारा एक जवान दोस्त बर्फ में जख्मी पड़ा था, उस पर दुश्मन की गोलियां चल रही थी। हम सब बंकर के पीछे छुपे हुए थे। उसे बचाना मेरा कर्तव्य था, और मैं उसे बचाने जाने वाला था, मगर मेरे कप्तान ने मना किया और कहा कि तुम नहीं जाओगे। मैंने इस यूनिफॉर्म में सबसे पहली कसम ये ली थी कि देश की सुरक्षा के बाद मेरे आदमियों की सुरक्षा सर्वोपरि है। ये कह के वो खुद चले गए। उस जख्मी जवान को बचाते बचाते हमारे कप्तान शहीद हो गए। उस दिन से जब भी मैं बॉर्डर पर होता हूं, उन गोलियों की आवाज और कप्तान का आखिरी चेहरा मेरे सामने आता है। वो गोलियां शायद मेरे लिए थी। टेंशन और प्रेशर दोनों के साथ काम करना जानता हूं। सर, कीप इट ऑन। या श्योर। इट वाज नाइस मीटिंग यू। Thank you for your service. Jai Hind. Jai Hind. कभी खुद की जिंदगी से शिकवा होने लगे अगर, तो एक फौजी की जिंदगी के बारे में सोचना।
खुद की हर मुश्किल आसान लगेगी। जो खुद की सांसें दांव पर लगाकर पूरे देश की सांसें चलाते हैं, हर वक्त जान हथेली पर होती है फिर भी हमेशा मुस्कुराते रहते हैं। जिन्होंने डर को भी डराया है और देश के लिए जीना क्या होता है ये इन सरहद के पहरेदारों ने हमें सिखाया है। तो अगली बार जब कोई चुनौती तुमसे तुम्हारा सुख चैन छीनेगी तो एक फौजी की जिंदगी के बारे में जरूर सोचना। खुद की हर मुश्किल आसान लगेगी।